गुरुर् ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरः गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ही है जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए किस रास्ते से आपको किस साधना के द्वारा पहुंचना है ये मार्ग सुझाते हैं। हम सब आगे बढ़ना चाहते हैं, तरक्की करना चाहते हैं, अपनी अपनी खुशियों को पाना चाहते हैं, लेकिन हमें नहीं पता है कि हमें कौन से रास्ते से चलकर ईश्वर मिलेंगे, शांति मिलेगी, मंजिल मिलेगी, हमारी खुशियां पूरी होगी। तो कहते हैं कि एक इंसान को अपने जीवन में शिक्षित और दीक्षित होना परम आवश्यक है। आप कितनी पूजा पाठ कर लें, ध्यान जप तप कर लें, लेकिन अगर गुरु दीक्षा प्राप्त नहीं की, आपके कोई गुरु नहीं है, तो वह साधना सफल नहीं होती है। तो इसी पावन अवसर पर 19 जुलाई गुरु पूर्णिमा के महोत्सव पर आप सभी मेरे शिष्य दिल्ली मेरे इस विशेष शिविर में पधार सकते हैं और मैं दूंगा एक ऐसा उपहार आपको जिसका आपको इंतजार था। मैं बताऊंगा वो कौन सी साधना है, कौन सा रास्ता है जिस रास्ते पर चलकर आपको गोविंद मिलेंगे, आपको ईश्वर की प्राप्ति होगी, आपको आपकी मंजिल मिलेगी। तो मैं करूंगा आप सभी का इंतजार और मैं दूंगा आप सभी को गुरु दीक्षा 19 जुलाई 2016 को दिल्ली में गुरु पूर्णिमा के विशेष अवसर पर। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद। संपर्क करें 0116542 0685 6454625। जन्म कुंडली विश्लेषण। हम सब हायर एजुकेशन इसलिए लेते हैं ताकि हमें एक बेहतर करियर मिल सके और हायर पोजीशन तक पहुंच सकें और अच्छी आमदनी कर सकें, जिससे जीवन खुशहाल हो। जितनी ज्यादा आमदनी उतनी सुख सुविधाएं अधिक, लेकिन उतना पेन यानी दर्द भी अधिक होता है क्योंकि मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है। लेकिन क्या सभी बच्चे ऐसा ही सोचते हैं? आज मैं ऐसे ही एक मेडिकल की एजुकेशन में MD तक की पढ़ाई पूरी करके मध्यम वर्गीय परिवार मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हुए तकरीबन 30 लाख रुपए तक का खर्च हो गया है मेडिकल की पढ़ाई में। माता पिता ने सोचा था कि बेटा कमाई करके इस बैंक से लिए गए कर्जे को पूरा कर पाएगा, लेकिन बेटे ने MBBS की डिग्री लेने के बाद अपनी प्रैक्टिस शुरू की, साथ में MD की पढ़ाई भी करता गया। ये अपने दूसरे डॉक्टर साथी जो कि निरंतर तरक्की कर रहे हैं, हम अपने आसपास हमेशा देखते हैं कि मैंने इंजीनियरिंग की है तो मेरे आसपास के लोग किस पोजीशन तक पहुंच गए, मैंने डॉक्टरेट की पढ़ाई की है तो वो लोग कहां पहुंच गए, वो लोग सब तरक्की कर रहे हैं। इस जो ये व्यक्ति है जिसकी आज मैं बात कर रहा हूं, वो पेशेंट को कॉस्टली मेडिसिन और कॉस्टली यानी महंगे टेस्ट करवाने की एडवाइस नहीं देता है, बल्कि उनका मोरल यह कहकर बढ़ाता है कि तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ है। उन्हें योग करना, प्राणायाम करना, एक्सरसाइज करना, थोड़ी बहुत घरेलू मेडिसिन लेने की एडवाइस देता है। पेरेंट्स को अब यह चिंता सताने लगी है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो कौन इस बच्चे से शादी करेगा और इसे लड़की कौन देगा, क्योंकि उम्र भी इसकी 28 साल 9 महीने हो चुकी है। अब बढ़ते हैं आगे कि आखिर माजरा क्या है। माँ बाप चाहते हैं कि ये भी महंगी दवाइयां दे, महंगे टेस्ट करवाए, और ये बच्चा कहता है कि मुझे जब जरूरत नहीं है, मैं किसी गरीब को देखता हूं तो खुद अपनी तरफ से उनकी फीस दे देता हूं। लेकिन माता पिता और बच्चे के बीच में ये द्वंद्व चल रहा है कि आखिर क्या है ग्रहों का खेल। आइए जन्म कुंडली के माध्यम से जानते हैं। इस वक्त ये जन्म कुंडली आपके सामने, देखिए 9 नंबर से कुंडली शुरू होती है जिसे हम धनु लग्न की कुंडली कहते हैं, और लग्न के लॉर्ड बनते हैं देवताओं के गुरु बृहस्पति, जो कि इस कुंडली में सुख भाव के स्वामी भी होकर, जहां 9 नंबर लिखा वो लग्न है, जहां 12 नंबर लिखे हो कुंडली का सुख भाव है, इसके लॉर्ड होकर पंचम भाव यानी एजुकेशन हाउस में चंद्रमा के साथ विराजमान होकर गज केसरी योग बना रहे हैं। गज का मतलब है हाथी, केसरी का मतलब है सोना। पुराने जमाने में जैसे हाथी घोड़े पर राजा महाराजा चलते थे, आज मर्सिडीज BMW बेंटले ये आजकल के हाथी हैं, तो गाड़ी मकान सुख सुविधाएं कंफर्टेबल जिंदगी इस बच्चे को भी मिलेगी गज केसरी हो गए। अपने आप सुख
और सुख सुविधाएं बढ़ाने वाला ये योग है। वहीं धनु लग्न में अगर इंसान प्रोफेशन से जुड़ता, आप जितने भी लोग धनु लग्न के हैं, एक चीज तो बड़ी खास है कि वो अपनी फीस खुद कभी भी क्लाइंट से नहीं मांग सकते हैं, ना ही ले सकते हैं। यह एक सबसे बड़ा वीक पॉइंट होता है। यानी अगर आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल बनना है, प्रोफेशनल बनना है, तो आपकी फीस लेने के लिए आपके पास कोई असिस्टेंट होना जरूरी है। अदरवाइज आप जिंदगी में कभी भी धन नहीं कमा सकते हैं। उल्टा घर का गोपी चंदन लगा के आप दूसरों की जरूर मदद करेंगे, और करना भी चाहिए, मदद जरूर करनी चाहिए। पंचम भाव में बैठे हुए गुरु अपनी पांचवी दृष्टि से भाग्य भाव, सातवीं से प्रॉफिट हाउस और नौवीं दृष्टि से लग्न को देख रहे हैं, जो जीवन में बहुत बड़ी तरक्की तक आपको पहुंचाएगा। लग्न पर खुद बृहस्पति की दृष्टि हो तो किम कुर्वते इस सर्वे ग्रह, बाकी सारे प्लेनेट कितना ही आपके पीछे पड़ जाए, अपना पूरा दिमाग लगाकर आपके पीछे पड़ जाए, लेकिन आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। बढ़ते आगे, भाग्य स्थान के लॉर्ड सूर्य वो कर्म स्थान के लॉर्ड बुध के साथ, प्रॉफिट हाउस में शुक्र इन तीनों के लॉर्ड बनकर, देखिए जो पंचम स्थान, माफ करिएगा, नाइन्थ हाउस जहां पांच नंबर की राशि है, छह नंबर जो कर्म स्थान है, सात नंबर जो प्रॉफिट हाउस, इन तीनों के लॉर्ड एक साथ युति करके अष्टम भाव में विराजमान है। देखिए सूर्य बुध और शुक्र विराजमान है। सूर्य बुध से बना बुध आदित्य योग, शुक्र बुध से बना लक्ष्मी नारायण योग, और अपने आप में भाग्येश कर्मेश और लाभेश की युति इंसान को जीवन में बहुत बड़ी ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा। इसलिए माता पिता, अगर आप ये कार्यक्रम देख रहे हैं तो चिंता नहीं, चिंतन करिए। बढ़ते हमारे अगले और तीसरे पॉइंट की तरफ। जब इतनी बढ़िया और सुंदर जन्म कुंडली है तो फिर तकलीफ क्यों है, फिर कर्ज चुकेगा कैसे? माता पिता की चिंता जायज है। और लोगों की तरह हम क्यों नहीं बहुत सारी फीस ले लेते हैं, और लोगों की तरह हम क्यों नहीं कॉस्टली मेडिसिन उनको देते हैं ताकि हमें कमीशन मिल जाए, और लोगों की तरह हम क्यों नहीं बड़े महंगे टेस्ट करवाएं? ऐसा नहीं है कि बड़े महंगे टेस्ट और महंगी दवाई से किसी को कोई फायदा नहीं होता है, मैं इस पर बात में विश्वास ही नहीं करता हूं। टेस्ट करने से एक्चुअल प्रॉब्लम समझ में आती है, तो डॉक्टर गलत काम नहीं करते हैं। महंगी मेडिसिन, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ महंगाई है, उसमें चीज भी बहुत अच्छी होगी, कंटेंट बड़ा अच्छा होगा, ये भी मानना पड़ेगा। इसलिए हम दूसरे डॉक्टर्स को ये कह के नहीं नकार सकते हैं कि वो महंगी दवाएं और इसलिए देते हैं ताकि इंसान को दुखी करके खुद पैसा कमा सके, इस पर कोई विश्वास नहीं करना चाहिए। ऐसे लाखों लोग हैं, ऐसे लाखों डॉक्टर्स हैं जो वाकई में सही ट्रीटमेंट करवाते हैं। अब खुद के घर से पैसा देकर किसी का टेस्ट करवाने का काम आज की तारीख में नहीं हो सकता है। बढ़ते आगे, पहली तकलीफ तो मैंने आपको पहले ही बता दी थी, धनु लगन वाले लोग बहुत ज्यादा प्रोफेशनल नहीं हो सकते हैं, अपनी फीस लेने में बहुत कमजोर होते हैं। यहां पर देखिए, प्रॉफिट हाउस के आगे शनि और पीछे केतु से बना पाप कर्तरी दोष, यानी ये इंसान प्रॉफिट कमाने में तो बड़ा कमजोर आदमी है, क्योंकि शनि और केतु खुद आपस में दुश्मन है और प्रॉफिट को काट रहे हैं। दूसरा, यहां पर एक और समस्या है कि भाग्य स्थान के आगे केतु और पीछे सूर्य, क्योंकि सूर्य एक क्रूर ग्रह, पापी नहीं है, परंतु वो केतु का दुश्मन है, इसीलिए भाग्य भाव भी पाप कर्तरी दोष में ग्रसित हुआ। तीसरी समस्या यह है कि कर्म स्थान में केतु इंसान को 32 और 38 साल की उम्र तक संघर्ष अवश्य करवाते हैं, और छोटी बड़ी तकलीफें जरूर देते हैं, लेकिन उसके बाद आराम जरूर होता है। बढ़ते आगे, सुख भाव में राहु जहां फोर्थ हाउस जहां 12 नंबर लिखे हुए हैं, यह अपने आप में ही एक बड़ी समस्या है, क्योंकि यह राहु अपनी पांचवी दृष्टि से, देखिए कितना एक सुंदर राजयोग बनते हुए इससे दुर्योग बना दिया। भाग्येश कर्मेश और लाभेश तीनों को देख रहे हैं। देखिए 12 से लेकर 4 की तरफ एगैरो, वहां सूर्य बुध और शुक्र विराजमान है, ताकि इन तीनों का लाभ इस बच्चे को कम मिल सके। वहीं अपनी नवमी दृष्टि से शनि को देख रहे हैं, जिस वजह से श्रापित और पितृदोष का योग बनता है। आइए अब बात करते हैं कि इनके नवमांश कुंडली की पोजिशन क्या है और क्या कहते हैं इनके नवमांश कुंडली के ग्रह नक्षत्र। इस वक्त ये नवमांश कुंडली आपके सामने, देखिए 7 नंबर से शुरू होती है, फोर्थ हाउस जहां पर शनि विराजमान है 10 नंबर में, वो शश योग बना रहे हैं, और वहीं केंद्र में मंगल स्वग्रही विराजमान है जहां पर 1 नंबर लिखा हुआ है, यानी शनि मंगल दोनों ही स्वग्रही है, अतः 32 और 38 साल की उम्र के बाद भाग्योदय 100% होगा, और हिंदुस्तान के जाने माने डॉक्टर्स में शुमार होगा। और इस योग में नवमांश और लगन कुंडली में जब दोनों में शनि मंगल स्ट्रांग हो तो इंसान एक साइंटिस्ट बनता है। इसके हाथों से कोई ऐसा
मेडिसिन इजाद होगी कि कहां से कहां पहुंच जाएगा। परंतु तकलीफ क्यों है, क्योंकि चंद्रमा पहली लग्न कुंडली में मेष राशि है तो शनि की ढैया चल रही है, वहीं पर यहां राहु का 12th हाउस में चंद्रमा के साथ ग्रहण दोष और साथ में 6th हाउस में सूर्य और केतु का ग्रहण दोष, ये दोनों एक बहुत बड़ा वीक पॉइंट बनते हैं जिस वजह से तकलीफ आ रही है। अब आइए आज के निष्कर्ष के बारे में बात करते हैं। 24 मई 2016 से 25 मई 2023 तक मंगल की दशा इस बच्चे को खूब तरक्की करवाएगी। बच्चे को दुनिया को समझने दीजिए, ये अपनी नई नई प्रैक्टिस शुरू करके आगे बढ़ रहा है, इसके ऊपर आप प्रेशर मत डालिए, आप मैच्योर हैं, ये बच्चा नहीं है, इसे अपने जमीर के साथ कर्म करने दीजिए, ये एक दिन नाम रोशन जरूर करेगा। सोचिए आप एक माँ होती, आप एक माँ है भी सही, और आप एक डॉक्टर के पास जाती है, जो डॉक्टर कहता है कि माता जी आपको कुछ नहीं हुआ है, आप थोड़ा सा प्राणायाम करिए, हल्की सी एक्सरसाइज करिए, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, इसे बुरा क्या, आप उसे आशीर्वाद देंगे, इसे सारे पेशेंट से आशीर्वाद लेने दीजिए, फिर देखिए क्या चमत्कार होता है इस बच्चे के साथ। इसको मत प्रेशर डालिए, 30 लाख रुपए का लोन है, बहुत छोटी चीज़ है, लोन देने के लायक ये बच्चा बन जाएगा, इसको अपने तरीके से जीने दीजिए। मेरी तरफ से आपको 100% ग्रीन सिग्नल है कि इसके योग में कोई तकलीफ नहीं है। छोटे छोटे एक दो उपाय बताता हूँ जिन उपायों का सहारा आप लेकर आगे की तकलीफों को कम कर सकते हैं। बचपन में करते तो सारे दोष खत्म हो जाते, वरना अब जरूर कुछ ना कुछ कर सकते हैं। सबसे पहला उपाय तो ये है कि आप शनिवार के दिन भिखारियों को सरसों के तेल में आलू बैंगन और उससे बनी हुई तेल से बनी हुई सब्जी पराठे के साथ श्रद्धा के अनुसार खिलाइए, चाहे 5 ही पैकेट दीजिए पर दें जरूर। जन्मदिन के अवसर पर प्रत्येक वर्ष खेजड़ी अर्थात बबूल पीपल तथा नीम के कोई एक पौधा लगाएं और उसकी देखभाल अवश्य करवाइए, और सुमेरु पृष्ठीय कुर्बाकार श्रीयंत्र की पूजा और अभिषेक साथ में श्री सुख का पाठ माता जी आप अपने बेटे के नाम से संकल्प लेकर करिए। तो ये था इनकी जन्म कुंडली का विश्लेषण। गुरुदेव सुरेश रिमाली जी से व्यक्तिगत मिलने के लिए संपर्क करें 30 जून और 2 से 4 जुलाई दिल्ली 01165420685 64544625 8-19 जुलाई मुंबई 93242724466 99322374660 10 जुलाई नागपुर 93710734870 93710614492 11 व 12 जुलाई पुणे 02915190000 93147281 65 13 जुलाई नासिक 93705905 36 93721659 आगामी 20 जुलाई से 18 अगस्त 2016 सावन माह में संपन्न करें महाकालेश्वर शिव शक्ति साधना। समस्त शिव साधनाओं का मिश्रण है। इस साधना से प्राणी सभी परेशानियों से मुक्त होकर सभी धर्मों सभी रहस्यों को देख व समझ लेता है। यह साधना अकारण बाधा संतान सुख व्यवसाय दोष से मुक्त कर आपको महाकाल का आशीर्वाद देगी, जो अनंत है, चीर है, निर्बाध है, क्योंकि शिव इस सृष्टि का परम सत्य है। यदि आप भी रोग ऋण शत्रु नौकरी संतान सुख दाम्पत्य जीवन की परेशानियों से ग्रसित है तो इन सभी परेशानियों का सटीक समाधान है सर्व बाधा निवारक महाकालेश्वर शिव शक्ति साधना। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 02915190000 98290266625 8955896625 आज को कल से मिलाती है कुंडली, आज ही कल का हाल बताती है कुंडली। जब अथक परिश्रम के पश्चात भी बना रहे अभाव परेशानियां और बाधाएं बदले
आपका स्वभाव अपनी भावी समस्याओं को समय पूर्व ही जान जाएंगे, ना केवल जानेंगे पर समाधान भी पाएंगे। तब कुंडली बनवाकर इन सभी से निजात पाएं। कौन मित्र है और कौन है शत्रु, जीवन साथी में ढूंढते हो प्रेम या प्रेम में ढूंढते हो जीवन साथी, शिक्षा करियर नौकरी हो या व्यवसाय, पद उपलब्धि और कैसे मिलेगा सम्मान, कुंडली भविष्य का प्रवेश द्वार है और समस्याओं के समाधान का आधार है कुंडली। आपके भविष्य का दर्पण है कुंडली, समाधानों के द्वारा दुखों का अर्पण है कुंडली। जन्म कुंडली में शरीर के सभी अंगों का विचार तथा उनमें होने वाले रोग या विकारों का विचार कुंडली के भिन्न भिन्न भावों से किया जाता है। आप में सभी प्रतिभाएं विद्यमान हैं, फिर भी आप असफल क्यों हो रहे हैं, इन सभी बातों के बारे में जानने के लिए आप भी जरूर करवाएं कुंडली विश्लेषण। संपर्क करें गुरुदेव सुरेश श्रीमाली, 19-20A हाईकोर्ट कॉलोनी जोधपुर राजस्थान, फोन नंबर 02915190000 और 9829026625। जन्म कुंडली विश्लेषण। किसी भी इंसान की जिंदगी में उसके दोस्त कैसे हैं उसका बहुत बड़ा असर होता है। जहां अच्छे दोस्तों की कंपनी पॉजिटिव थिंकिंग और अच्छे कर्म करने के लिए मोटिवेट करती है और इंसान को सब तरफ से इज्जत मिलने लगती है, वहीं बैड कंपनी नकारात्मक सोच, कड़वी जुबान और दुष्कर्मों के द्वारा गलत रास्ते पर ले जाती है। घर हो, परिवार हो, समाज में ऐसे लोगों को अवॉइड किया जाता है, किनारा किया जाता है कि इससे दोस्ती मत रखो, इससे दूर रहो। लोग ऐसे लोगों से दूरी बना के रखते हैं, एक गैप रखते हैं। आज मैं जिस शख्स की कुंडली का विश्लेषण करने जा रहा हूं वो 31 साल और 8 महीने का एक युवक है, जिसने एक बार 16 साल की उम्र में पहली बार बियर पी थी और उसको पीकर घर पर आ गया था, क्योंकि इसके बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं था। पिता को पता चला तो पिता ने इतना मारा कि 4 दिन तक वो बिस्तर से उठ नहीं पाया। इस घटना के बाद सुधरने के बजाय बियर पीना और माता पिता को पता ना चले इसके तरीके वो खोजने लगा और कामयाब भी रहा। बैड कंपनी बढ़ती चली गई। एक बार शराब के नशे में 4 दोस्तों के साथ कहीं जा रहे थे और एक्सीडेंट हो जाता है, एक दोस्त की मृत्यु हो जाती है, पुलिस केस होता है और इसे जेल भी जाना पड़ता है। बैड कंपनी के चलते 26 सालों तक आवारा घूमता रहा और पढ़ाई अधूरी छूटी। रिश्तेदारों ने सलाह दी कि अब इसकी बीवी यानी अब इसकी शादी कर दो, जब बीवी आ जाएगी तो कान पकड़ के सीधा कर देंगी। ऐसे ही कुछ तरीके का डायलॉग हमारे परिवार के लोग ऐसी सिचुएशन में देते हैं। शादी हो गई, सीधा नहीं हुआ बल्कि सप्ताह में 1-2 बार बीवी से झगड़ा होता ही है और रात भर शराब पीना और बाहर रहना ये एक आम चीज होने लगी है। परिवार वालों ने सोचा कि अब बस बेटी तुम एक बच्चा पैदा कर दो, फिर देखो बाप बनते ही सब ठीक हो जाएगा। आज इसके 2 बच्चे हैं लेकिन स्थिति जस की तस है। इनकी पत्नी बहुत दुखी है, कहती है कि मेरा जीवन खराब हो गया है ऐसा पति पाकर। इधर माता पिता भी परेशान रहते हैं और कहते हैं कि हमारा बुढ़ापा खराब कर दिया इस बेटे ने। ये मुझसे जानना चाह रही है कि क्या कभी मेरे पति की कुछ आदतें सुधर पाएंगी और इनका गृहस्थ जीवन कैसा रह पाएगा। तो आइए जन्म कुंडली विश्लेषण करते हैं और जानते हैं कि बैड कंपनी आई कहां से, मैरिटल लाइफ खराब हुआ कैसे, ये खुद इतना बुरा बना कैसे और आगे की जिंदगी जस की तस रहेगी या कुछ ठीक होने के आसार नजर आ रहे हैं। आइए देखते हैं क्या है ग्रहों का खेल। इस वक्त ये जन्म कुंडली आपके सामने है। देखिए धनु लग्न की कुंडली है, लग्न में ही गुरु विराजमान है और गुरु चतुर्थ भाव यानी सुख भाव के लॉर्ड, जहां 12 नंबर लिखे हुए हैं उसके लॉर्ड होकर केंद्र में विराजमान है। इससे बना हंस योग, पंच महापुरुष योगों में से एक होता है हंस योग। पैदाइशी ये बच्चा बदमाश नहीं था, कोई भी इंसान जिंदगी में बदमाश नहीं होकर पैदा होता है। धनु लग्न वाले लोग आमतौर पर बुरे लोग नहीं होते हैं, दिल के बहुत अच्छे लोग होते हैं और अच्छी जिंदगी व्यतीत करने वाले लोग होते हैं, सुखी रहने वाले लोग होते हैं, सुख सुविधाओं की कभी कमी नहीं होती है। तो फिर इतनी तकलीफें कहां से आ गई। वहीं केंद्र में बृहस्पति विराजमान है,
और वो भी लग्न में सबसे बढ़िया माना गया। फिर तकलीफ अष्टम भाव की तरफ ले जाना चाहूंगा, एट्थ हाउस, जहां पर चार नंबर लिखे हुए हैं। इस कुंडली का सबसे बड़ा वीक पॉइंट बताने जा रहा हूं, एट्थ हाउस जो कि हमारे कॉमन सेंस का होता है, उसके लॉर्ड बनते हैं चंद्रमा। वो शत्रु राशि यानी मिथुन राशि अपने शत्रु बुध के घर में विराजमान है। देखिए जहां पर कुंडली में तीन नंबर लिखा हुआ है वो चंद्रमा के सबसे बड़े दुश्मन बुध का घर होता है, साथ ही चंद्रमा के पीछे राहु विराजमान है। चंद्रमा के साथ में कोई नहीं, आगे कोई नहीं, पीछे सिर्फ राहु विराजमान है। यह बहुत बड़ा वीक पॉइंट है। हालांकि इसे केमद्रुम दोष तो नहीं कहेंगे, लेकिन उससे कम भी नहीं कहेंगे। इस बच्चे का कॉमन सेंस कमजोर रहा, और कई बार मैं अपने कार्यक्रम में कहता भी हूं कि अगर बड़ा छोटा सा एग्जाम्पल है कि आप कार चला रहे हैं तो हम सड़क पर धीरे भी चल रहे हैं, ना कोई मोबाइल है, ना ही कोई म्यूजिक है, ना ही तेज स्पीड है, अच्छे ढंग से हम कार चला रहे हैं। इसीलिए हमें जहां जाना होता है हम वहां पहुंच जाते हैं। तो ये गाड़ी बहुत अच्छी चला रहे थे इसलिए हम पहुंच गए, ये आमतौर पर कहा जाता है। यह सत्य जरूर है, लेकिन ये ही सत्य नहीं है, क्योंकि जिस वक्त आप कार चला रहे थे उस वक्त आपके आगे और पीछे, दाएं और बाएं जो लोग गाड़ी चला रहे थे उन सब ने भी ढंग से चलाई थी, इस वजह से भी आप पहुंचे हैं। अगर उन सब में से किसी एक ने भी ढंग से नहीं चलाई होती तो आपका एक्सीडेंट हो जाता और जहां जाना था वहां छोड़कर आप कहीं और पहुंच जाते। इसका अर्थ यह है कि हमारा अधिकार हमारे ऊपर तो जरूर होता है लेकिन औरों पर नहीं हो पाता है। कई बार हम किसी दोस्त बनाते हैं, वो अब पॉजिटिव चीज सिखाता है तो हम उसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं, हाँ देखी जाएगी, लेकिन अगर उसने एक बार आपको बियर पिलाई और जुबान पर उसका आपका बस स्वाद आ गया तो आपको लगता है बस ये तो बहुत अच्छी चीज है, तो उसके बाद वो इंसान दूसरों की वजह से बुरा बनता चला जाता है। उसी तरह किसी कॉमन सेंस की वजह से इस बच्चे ने बियर पी, वो एक आम बात है, कोई बहुत बड़ी बुराई मैं इसे नहीं मानता हूं, क्योंकि जो लोग शराब पीते हैं जरूरी नहीं वो सब बुरे लोग ही हैं, ऐसे हजारों लोग हैं। पंजाब के अंदर तो कल्चर है, मैंने पिता और पुत्र दोनों को साथ में बैठकर शराब पीते हुए देखा है। बहुत हर एक पंजाबी लोगों घरों में, अमेरिका जाइए, इंग्लैंड जाइए, बहुत सारे देशों में जब हम उनके घर पर वास्तु विजिट के लिए जाते हैं हम देखते हैं कि पिता पुत्र के लिए आम चीज है। इसका अर्थ क्या है कि अगर ऐसा होता तो सब बच्चों को लात मार के बाहर निकाल देना चाहिए। आपको समझना चाहिए कि बच्चा कर रहा है, आगे निष्कर्ष में आएगी ये बात। आज की तारीख में जो लोग नहीं पीते उनके लिए खराब चीज हो सकती है। यहां पर हम इनकी नवमांश कुंडली पर नजर डालते हैं तो देखेंगे कि ज्यादा स्थिति क्लियर हो सकती है। नवमांश कुंडली पर नजर डालिए, इस वक्त ये कुंडली आपके सामने है, चार नंबर से कुंडली शुरू हो रही है। देखिए एट्थ हाउस जहां पर 11 नंबर लिखे हुए हैं, चंद्र मंगल और राहु विराजमान है। कॉमन सेंस के घर में राहु मंगल का अंगारक दोष और राहु चंद्रमा का ग्रहण दोष आ रहा है, वहीं पर एट्थ हाउस पाप कर्तरी दोष में, क्योंकि पीछे सूर्य और आगे शनि विराजमान है। शनि और सूर्य खुद आपस में दुश्मन है जिस वजह से भी तकलीफ इनको आई है। अब आइए वापस मैं जन्म कुंडली की तरफ आपको लेकर जाता हूं। जन्म कुंडली में सकारात्मक यानी पॉजिटिव बिंदुओं पर नजर डालना बहुत जरूरी है। यहां पर देखिए पहला हंस योग, 9 नंबर पे गुरु, दूसरा केंद्र में ही गुरु चंद्रमा का दृष्टि संबंध, गुरु और चंद्रमा, 3 में चंद्रमा, 9 में गुरु, यह दृष्टि संबंध। गज केसरी योग, भाग्य स्थान के लॉर्ड सूर्य, वो भी कर्म स्थान, 5 नंबर के लॉर्ड 6 नंबर में, और कर्म स्थान के लॉर्ड बुध का वापस सूर्य के घर में बैठना, स्थान परिवर्तन राजयोग। वहीं धनेश और पराक्रमेश बनते हैं शनि, 10 और 11 के लॉर्ड, वो उच्च राशि के विराजमान है। यहां पर प्रॉफिट हाउस है, 7 नंबर लिखे हुए, और अगर हम नवमांश कुंडली की जो मैंने बात की थी तो शुक्र उसमें वर्गोत्तम है, यानी जहां पर शुक्र लग्न स्थान में नीच राशि के हैं तो नवमांश कुंडली में भी वह नीच राशि के हुए। वही लग्न में गुरु उच्च राशि के हैं नवमांश कुंडली में और हंस योग बना रहे हैं, तो यह सारे सुंदर योग, लेकिन योगों पर दुर्योग इतने ज्यादा भारी पड़े कि उनका इतना बड़ा असर हुआ कि सारे योग धरे के धरे रह गए और इंसान दुर्गति को प्राप्त हो गया। अब निष्कर्ष क्या निकलता है कि 15 साल की उम्र तक बच्चे की गलती पर उसे कभी कभार डांटना और थोड़ा बहुत पीटना जायज है, लेकिन जब बेटा 16 से 18 साल की टीन एज की उम्र में होते हैं तब उस उम्र में उसके दोस्त बन जाएं तो ठीक रहता। उसके पहली बार बियर पीने की बात को सरलता से और दोस्ती के साथ मिलकर उसे समझाते तो वो चोरी छुपके ये काम नहीं करता। उपाय क्या हो सकते हैं, आप अपने पति के लिए 21 पीपल के वृक्ष लगाएं और सारे वृक्ष शनिवार को ही लगाने, एक एक करके लगा सकते हैं, और किसी भी वृक्ष पर शाम को तेल का दीपक अवश्य जलाना चाहिए।
पारद शिवलिंग पर नित्य पति से पंचामृत से अभिषेक करवाएं या फिर आप उनके नाम से संकल्प लेकर कर सकती हैं। आप दोनों मुझसे जब भी पर्सनली मिलकर आते हैं, मिलने के लिए आते हैं, तो घर से 21 दाने चावल के और एक मौली का जो लाल धागा है वो लेकर आइए। मैं एक सर्व रक्षा कवच बनाकर उसके गले में धारण करवाऊंगा। हनुमान जी की पूजा उपासना या मंगलवार को कर सकते हैं, हनुमान अष्टक का पाठ करें तो अच्छा रहेगा। घर में तुलसी और लाल पुष्प के पौधे की सेवा अवश्य करिए तो लाभ मिलेगा। तो ये था जन्म कुंडली का विश्लेषण। हो सकता है हमें भी कोई तकलीफ चल रही है या तकलीफ आ सकती है, तो क्यों ना हम समय रहते जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाएं और जानें कि हमारा जीवन कैसा रहेगा। तो अगली बार आप ही मैं से भेजी गई किसी कुंडली का विश्लेषण करूंगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार। आगामी 20 जुलाई से 18 अगस्त 2016 सावन माह में संपन्न करें महाकालेश्वर शिव शक्ति साधना। समस्त शिव साधनाओं का मिश्रण है। इस साधना से प्राणी सभी परेशानियों से मुक्त होकर सभी धर्मों सभी रहस्यों को देख व समझ लेता है। यह साधना अकारण बाधा संतान सुख व्यवसाय दोष से मुक्त कर आपको महाकाल का आशीर्वाद देगी, जो अनंत है, चीर है, निर्बाध है, क्योंकि शिव इस सृष्टि का परम सत्य है। यदि आप भी रोग, ऋण, शत्रु, नौकरी, संतान सुख, दाम्पत्य जीवन की परेशानियों से ग्रसित है, तो इन सभी परेशानियों का सटीक समाधान है सर्व बाधा निवारक महाकालेश्वर शिव शक्ति साधना। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 02915190000, 9829026625, 8955896625। गुरुर् ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ही है जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए किस रास्ते से आपको किस साधना के द्वारा पहुंचना है ये मार्ग सुझाते हैं। हम सब आगे बढ़ना चाहते हैं, तरक्की करना चाहते हैं, अपनी अपनी खुशियों को पाना चाहते हैं, लेकिन हमें नहीं पता है कि हमें कौन से रास्ते से चलकर ईश्वर मिलेंगे, शांति मिलेगी, मंजिल मिलेगी, हमारी खुशियां पूरी होगी। तो कहते हैं कि एक इंसान को अपने जीवन में शिक्षित और दीक्षित होना परम आवश्यक है। आप कितनी पूजा पाठ कर लें, ध्यान जप तप कर लें, लेकिन अगर गुरु दीक्षा प्राप्त नहीं की, आपके कोई गुरु नहीं है, तो वह साधना सफल नहीं होती है। तो इसी पावन अवसर पर 19 जुलाई गुरु पूर्णिमा के महोत्सव पर आप सभी मेरे शिष्य दिल्ली मेरे इस विशेष शिविर में पधार सकते हैं और मैं दूंगा एक ऐसा उपहार आपको जिसका आपको इंतजार था। मैं बताऊंगा वो कौन सी साधना है, कौन सा ये रास्ता है जिस रास्ते पर चलकर आपको गोविंद मिलेंगे, आपको ईश्वर की प्राप्ति होगी, आपको आपकी मंजिल मिलेगी। तो मैं करूंगा आप सभी का इंतजार और मैं दूंगा आप सभी को गुरु दीक्षा 19 जुलाई 2016 को दिल्ली में गुरु पूर्णिमा के विशेष अवसर पर। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद। संपर्क करें 01165420685, 6454625।